विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। आओ वत्स, मैं अति प्रसन्न हूँ कि तुमने मुझे मन से गुरु स्वीकार किया। इसका मतलब हम ही नहीं समझ पाए इसे, महात्मा जी की पारखी आंखों ने इसे देखते ही समझ लिया। हम तो इसे अशुभ समझते थे। तू है नहीं, अशुभ है नहीं। हाँ और क्या? देखो तो इसे तुम कह रहे हो कि महात्मा जी की बात ना सुनू, किंतु तुम्हारी बात को स्वीकार करूं मैं? बात मेरी या अन की नहीं है भैया, बात तुम्हारे जीवन की है। मैं आपके जीवन को कष्ट में नहीं देखना चाहता। तो क्या होगा? मेरा जीवन ही कष्ट में पड़ेगा, किंतु मेरा अंतर्मन तो ग्लानि से मुक्त हो जाएगा ना? मुझे ये दुख तो नहीं होगा, क्या कारण ही मैंने अपनी संतान को अपने आप से अलग कर दिया? उसका मुख तक नहीं देखा मैंने। उचित है, जाना है तो जाइए, किंतु इतना सुन लीजिए, वो बालक अशुभ है, और अशुभ की छाया ना बाबा ना, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। मैं नहीं चाहता कि उस अशुभ की छाया मुझ पर पड़े, क्योंकि हम दोनों भाइयों में से कोई एक तो सुरक्षित रहेगा। भ्राता, आइए गुरुवर, मैं आपको माता से मिलाता हूँ, आइए। इन्होंने ही मुझे मेरे जीवन में माता का स्थान भरा, और तो और गुरु वंदना का सुझाव भी दिया। गुरु का अर्थ क्या होता है वो इन्होंने ही मुझे। माता, माता अभी तो यहीं थी। तुम किन माता की बात कर रहे हो वत्स? उन्हीं की जो मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे साथ रही। मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव, वो माता एक थी। पहली बार तो उनके साथ उनके पति देव भी आए थे, जिनका नाम भोला था और माता का नाम गौरी। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी। जिन भोला शंकर प्रभु और माता गौरी पार्वती ने मुझे तुम तक पहुंचाया, उन्होंने ही तुम्हारा भी ध्यान रखा। आप किसकी बात कर रहे हैं गुरुदेव? तुम अभी नहीं समझ पाओगे वत्स, किंतु शीघ्र ही तुम उनका परिचय प्राप्त करोगे। अब बिना विलंब किए मेरे साथ अयोध्या मेरे आश्रम चलो, वहां तुम्हारी विधिवत शिक्षा प्रारंभ होगी। गुरुदेव, तो क्या वहाँ आप मुझे प्रभु श्री राम की कथा और उनकी महिमा बताएंगे? अवश्य राम बोला, अवश्य आओ। राम बोला, मैंने उसके साथ कितना अन्याय किया है, मैं उससे क्षमा कैसे मांगूंगा? राम बोला, राम बोला। इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? मेरा पुत्र तो ठीक है ना? आत्माराम जी यहाँ? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? राम बोला, राम बोला, राम बोला, राम बोला। कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? राम बोला। अब उसे ढूंढने से कोई लाभ नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। कहाँ जा चुका है? कहाँ जा चुका है मेरा पुत्र? जिसे हम अशुभ मानते रहे, उसकी दिव्यता को एक गुरु महात्मा ने पहचाना और अपने साथ उसे ले गए। ये मैं कैसे भूल करती तेरे राम बोला पुत्र, तुमसे एक बार मिलने का अवसर तो मिलना चाहिए था। जब समय रहते व्यक्ति अपनी भूल नहीं सुधारता तो पछताने के सिवाय उसके पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता। यही हुआ आत्माराम जी के साथ, वो चाह कर भी अपने पुत्र से नहीं मिल पाए,
एक ओर वो अपने पुत्र को ढूंढ रहे थे तो दूसरी ओर उनका पुत्र राम बोला से गोस्वामी तुलसीदास बनने की अपनी यात्रा पर अग्रसर था। आप सभी से विनम्र निवेदन है, आज मेरे शिष्य राम बोला के यज्ञोपवीत संस्कार और पंच वैष्णव संस्कार संपन्न होने जा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आप सभी इसे आशीर्वाद देकर भगवान से इसकी सफलता की कामना कीजिए। आप सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। पांच चरणों में पूर्ण होता है। प्रथम चरण ताप, इसमें तुम्हें उसी प्रकार ताप का सामना करना होगा जैसे किसी को जीवन के भिन्न भिन्न चरण में जीवन की कठिनाइयों के ताप का सामना करना होता है। उपरांत जिस प्रकार सोना तपकर कुंदन बनता है उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन के सभी विकारों से मुक्त होकर कुंदन समान पावन हो जाओगे। गुरुदेव ने उचित कहा था, मुझे तो नवीन ऊर्जा का आभास हो रहा है। वैष्णव संस्कार का दूसरा चरण है ऊर्ध्व पुंड्र संस्कार, जिसमें मस्तक पर श्री विष्णु चरण तल तिलक धारण कर व्यक्ति अपने आगामी जीवन के लिए विद्या प्राप्ति के द्वार खोलता है, उसे अपने जीवन में उतारने का सामर्थ्य पाता है। अब वैष्णव संस्कार का ये तीसरा चरण है जिसमें एक नया नाम दिया जाता है। अब राम बोला को वो नाम प्राप्त होगा जिससे वो अनंत काल तक आदर पूर्वक जाना जाएगा। तुम्हारे नए नाम का आरंभ तू से होना चाहिए। मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तुलसीदास 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 तुलसीदास। आज के बाद तुम तुलसीदास कहलाओगे। अपना सामान क्यों बांध रहे भैया? अब कहाँ की यात्रा का विचार है भैया? चौथा चरण है मंत्र संस्कार। अब मैं तुम्हें अष्टाक्षरी मंत्र देने जा रहा हूं। ये मंत्र तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। इस प्रकार तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के प्रति अटल निष्ठा जागृत कर उसकी ओर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। ओम नमो नारायण। अब वैष्णव संस्कार का पांचवा और अंतिम चरण है यज्ञ। इससे तुम्हारी आत्मा की शुद्धि होगी और तुम वेदों और पुराणों के गुण ज्ञान को सरलता से सीख पाओगे। Thank you.
तुमने एक नया जन्म लिया है और अब तुम्हारी शिक्षा आरंभ होगी तुलसीदास। अब कुछ भी हो जाए, मैं अपने पुत्र को ढूंढ कर उसे यहाँ लौटा कर लेके आऊंगा। मैं वचन देता हूँ गुरुदेव, मैं ज्ञान प्राप्ति में पूरी निष्ठा से प्रदर्शन करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं और आपको निराश न करूं। बिना एक भी पल डगमगाए पूरी एकाग्रता के साथ एकमात्र लक्ष्य पर आपके दिखाए हुए पद पर आगे बढ़ूंगा। इस प्रकार जहां एक ओर गुरु को योग्य शिष्य मिला और शिष्य को श्रेष्ठ गुरु का मार्गदर्शन, वहीं दूसरी ओर पिता आत्माराम अपने पुत्र का साथ पाने की आस में उसे ढूंढने निकल पड़े थे। हे प्रभु श्री राम, मेरी भूल को सुधारने में और मेरे पुत्र को वापस लाने में आप मेरी मदद करो। प्रभु मेरी मदद करो। जिसने जन्म से ही अपने पुत्र को त्याग दिया, क्या उसके पिता को उसके जीवन में आने का अधिकार था? प्रायश्चित वो गंगा है जिसमें स्नान करने के बाद व्यक्ति दोष से मुक्त हो जाता है। प्रभु उसे क्षमा दान देते हैं। आत्मा राम जी की ये यात्रा प्रायश्चित की यात्रा थी। वहीं दूसरी ओर तुलसीदास जी की यात्रा तुलसी से महान भक्त गोस्वामी तुलसीदास बनने की थी, किंतु ये तभी संभव था जब वो अपने हृदय की सुन प्रभु को पा सके। माता जिस प्रकार अपने प्रत्येक संतान की इच्छाओं को जानकर उनकी रुचि के अनुसार भोजन तैयार करती है, उसी प्रकार एक गुरु के लिए अति महत्वपूर्ण है कि वो अपने शिष्यों के हृदय की बात जाने। तभी मैं तुम्हारा गुरु, तुम शिष्यों का मार्गदर्शन कर तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य पाने में समर्थ बना सकूं। अब एक एक कर मुझे बताओ तुम्हारे हृदय में क्या है? स्वादिष्ट मालपुआ, अपने पिता के मिष्ठान की दुकान के सभी स्वादिष्ट मिष्ठान मेरे मुख में आ जाए और बिना मेरे कुछ किए आते ही जाए और मैं उनका आनंद लेते ही जाऊं। तुम बताओ। मैं तो बड़ा योद्धा बनना चाहता हूँ जिससे मैं सबको परास्त करके सब पर राज कर सकूं। तुम बताओ। गुरुवर, मैं महाज्ञानी बनना चाहता हूँ। मेरे से ज्यादा ज्ञान किसी के पास ना हो जिससे मैं राजा का सलाहकार बन सकूं। जैसे मेरे पिता के सामने सब झुकते हैं, वैसे मेरे सामने भी सब झुके। कितना भी ध्यान से सुनो किंतु मेरे हृदय से तो जैसे एक ही शब्द निकलता है। तुलसीदास, तुमने नहीं बताई अपने हृदय की बात? तुम भी बताओ तुम्हारा हृदय क्या चाहता है। राम राम बने तो राम ही है। इसमें हंसने की क्या बात है? क्षमा कीजिए गुरुदेव, किंतु मेरे हृदय की हर एक दुख में केवल एक ही शब्द सुनाई देता है, राम राम। इसका अर्थ तुम्हारे हृदय में श्री राम बसे हैं। अन्य सभी अपने हृदय को पूर्ण रूप से नहीं समझ सके, किंतु तुम उसके स्पंदन को समझ गए। तुम्हारे हृदय की एक ही लगन है, एक ही रुचि है, प्रभु श्री राम। तो क्या इसका अर्थ है मेरा जीवन प्रभु श्री राम से जुड़ा है? हाँ तुलसीदास, तुम सबका पहला पाठ है लक्ष्य को समझना, क्योंकि लक्ष्य ही जीवन की दिशा तय करता है और एकाग्र मन से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तुलसीदास जानता है वो जीवन में क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है। उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन के लक्ष्य को तय करो, अपने हृदय की इच्छाओं को भटकने मत दो, अपने हृदय की गहराई में जाओ, उसे समझो और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित हो जाओ।
नहीं निसार संसार विकारा प्रभ विष्णव, अर्थात मनुष्य का हृदय ऐसे किसी सांसारिक इच्छाओं से नहीं भरता। सांसारिक भावनाओं से घिरना विकारों में उलझना होता है। जो भी उसके प्रभाव में आता है उलझकर अपने लक्ष्य से भटक जाता है। योद्धा, संगीतज्ञ या मंत्री, इनमें से कुछ भी बनना अनुचित नहीं है, किंतु उसका उचित कारण और उद्देश्य होना आवश्यक है। अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा हो तो कुछ भी असंभव नहीं, फिर भले ही वो इच्छा प्रभु श्री राम को पाने की ही क्यों ना। पुष्प की सुगंध और सुंदरता का श्रेय उस माले का है जो पौधे का बीज रोपकर उसका पोषण करता है। उसी प्रकार ज्ञानी शिष्य का श्रेय उस गुरु का है जो शिष्य के मन में ज्ञान का बीज रोपता है। वही आज तुलसीदास को उसके जीवन की प्रथम सीख देकर गुरु नर हरिदास ने किया, जिससे तुलसीदास भक्ति की महानता के शिखर पर पहुंचकर महान संत तुलसीदास कहलाएंगे। एक ओर तुलसी ज्ञान के अनंत सागर में उतरता जा रहा था तो दूसरी ओर अपने पुत्र की खोज में उनके पिता एक आश्रम से दूसरे आश्रम उसे ढूंढ रहे थे, किंतु दोनों की ही खोज का कोई अंत नहीं था। आज का पाठ यही समाप्त कर रहे हैं? हाँ तुलसी, किंतु तुम्हारी ज्ञान की प्यास अभी बुझी नहीं। हाँ गुरुदेव, वेद में तो इतना अपार ज्ञान है, एक पूरा जीवन भी उसे आत्मसात करने में कम पड़ जाए और मैं एक भी पल बिना गवाए आपसे सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम उचित कहते हो वत्स, वेद तो ज्ञान के भंडार है, इसमें निहित सारा ज्ञान मैं भी तुम्हें नहीं दे सकूंगा। यदि आप मुझे सारा ज्ञान नहीं दे सकते तो मैं ज्ञान को प्राप्त कैसे करूंगा? वत्स, ज्ञान तो प्रभु के समान अनंत है, जितना भी प्राप्त करो कम है, किंतु आवश्यक ये है कि जो भी प्राप्त करो उसे गहराई से समझकर आत्मसात कर। और कुछ ज्ञान ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव से अर्जित करता है, वो ज्ञान तो तुम्हें स्वयं ही प्राप्त करना होगा। किंतु गुरुदेव, मैं स्वयं अपने अनुभव से कैसे सब कुछ सीखूंगा? माता गौरी ने तो कहा था कि गुरु ही सब कुछ सिखाते हैं। जो मैं जानता हूँ वो तुम्हें सिखाऊंगा, किंतु जो मेरे ज्ञान से परे है वो तुम्हें स्वयं ही पाना होगा। गुरुस्तु दीप वन मार्ग दर्शक, अर्थात गुरु वो दीपक है जो अपने प्रकाश से शिष्य को ज्ञान का मार्ग दिखाता है, किंतु उस ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर तुम्हें स्वयं ही चलना होगा। मुझसे प्राप्ति ज्ञान से तुम स्वयं ही सीखना सीख जाओ। वो कैसे होगा गुरुदेव? ईश्वर द्वारा रचित प्रकृति स्वयं एक शिक्षक है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो आपके कहने का अर्थ है मैं प्रकृति से सीखकर अपने बारे में ही ज्ञान प्राप्त करूंगा? हाँ वत्स, आत्मज्ञानम परम ज्ञान, जो अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो अपने राम को भी पा लेता है। उचित है गुरुदेव, मैं आज से ही आत्मज्ञान के प्रति जागृत हो जाऊंगा।
इसी तरह अपने गुरु द्वारा दिए ज्ञान का प्रयोग कर तुलसीदास प्रभु श्री राम के निकट पहुंचने का मार्ग ढूंढने वाला था। ज्ञान की भूख व्यक्ति को उसके उद्देश्य के निकट ले जाती है। कल मैं वराह क्षेत्र जा रहा हूँ, मैं वहाँ रामायण पाठ करूँगा, तुम भी मेरे साथ चलो। अवश्य चलूँगा मैं। किंतु उनके आश्रम से निकलने के पहले ही उसके पिता का भी गुरु नर हरिदास के आश्रम में आगमन हो गया।